हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग यार, आज के वीडियो में हम फ्लैंक के बारे में बात करेंगे। तो भाई यार, फ्लैंक कैसे करें ओपन में, और जैसे कि ओपन में फ्लैंक कैसे करना है और घरों के ऊपर कैसे फ्लैंक करते हैं, तो भाई उसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। और सारी टिप्स जो भी मेरे अपने खुद के गेम प्ले में यूज़ करता हूँ वही बताऊंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैंक यानी ओपन में, ठीक है। ओपन फ्लैंक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बंदे करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दो आपस में गाड़ी से फाइट होती है ना, तब फ्लैंक करना ज़रूरी हो जाता है। तो भाई यार, जब ओपन में होते हो बिल्कुल चारों तरफ ओपन है, तो तुम्हें क्या करना हो, फ्लैंक करना है, तो तुम्हें सबसे पहले वहाँ पर स्मोक यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी स्क्वाड के साथ हो गई, ठीक है। अगर नहीं हो तो उसके लिए अलग टिप्स होती है, लेकिन स्क्वाड वाला फ्लैंक बताता हूँ, ठीक है भाई। तो उस टाइम क्या करना है, तुम्हें दो बंदों को रखना है जहाँ तुम फंस चुके हो और तुम्हें वहाँ से बचना है, तो वहाँ पे तुम्हें दो बंदों को रखना होगा बिल्कुल स्मोक के अंदर, ठीक है। और उनको बोलना है वहीं पे फायर दें, चाहे तुम बंदों के ऊपर फायर करो या ना करो, ठीक है भाई। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ मैं फ्लैंक में फंस चुका हूँ, ठीक है भाई, उधर उस साइड में, तो और मैं हूँ और सामने वाला अपोनेंट यहाँ पे है, तो भाई हमें कैसे बचना है, जैसे कि वो इस रिज के नीचे और मैं उस रिज के नीचे हूँ, ठीक है, तो वहाँ से कैसे बचना है। तो भाई यार, वो बराबर नेट वगैरह करेंगे, अगर तुम वहीं पे रहते हो टीपी भी लेते हो तो तुम भाई सब खत्म हो, ठीक है। तुम भी करोगे लेकिन वो बंदे भी करते हैं, ठीक है। और तो क्या करना है, उस टाइम तुम्हें फ्लैंक मारना है, ठीक है। दो बंदों को अपने को यहीं छोड़ देना है, ठीक है, और उनको मतलब वहीं छोड़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको वहीं छोड़ दो, मतलब थोड़ा सा बैक साइड में बिल्कुल फुल कवर देना है, जैसे कि अगर वो यहाँ नोक ना हो। अगर ऐसा हो जाता है कि तुम फ्लैंक कर रहे हो इधर बंदे वापस इधर आना पड़ता है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने दोस्त को फ्लैंक में साथ में रखो, अकेले फ्लैंक मत करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने सपोज किया है कि सामने वाली रिज पर बंदे हैं उस जगह, ठीक है, और तो अब तुम ऐसा तो है नहीं तुम नीचे से जाओ उसको उनको मारोगे, तो भाई उसमें क्या होता है, हाई ग्राउंड, हमेशा हाई ग्राउंड पकड़ना है, जैसे कि तुम बिल्कुल कवर में रहो, नीचे वालों का मतलब जो क्रोसियर है ना वो इतना ऊपर सही से एम नहीं कर पाता है, और ऊपर वालों का जल्दी से नीचे कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा हाई ग्राउंड की तरफ फ्लैंक मारना है और दिमाग लगाना है कि भाई हाई ग्राउंड हमें कहाँ से मिलेगा, जबकि जितना अच्छा हाई ग्राउंड मिलेगा वो उतना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपके पास एक अच्छी सी एआर गन होनी चाहिए जो कि आपको मिड रेंज में स्प्रे करने में काम आए, जैसे कि आप हाई रेंज पे जाओगे लेकिन तुम्हारा स्प्रे ही घटिया है, तो भाई वो नीचे वाले बंदे का स्प्रे अच्छा है और वो तुम्हें पेल दें, तो अपने एम को भी अच्छा करना है। और आपको हमेशा M416 तो मतलब यूज़ करनी ही चाहिए, क्योंकि उसका जो क्लोज रेंज और मिड रेंज दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अब सपोज़ किया आप यहाँ पर आ चुके हो और नीचे वहाँ पर बंदे, ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि हमारे साइड में बंदे, उनका पूरा जो मतलब ध्यान है ना वो आपके टीममेट के ऊपर है जो कि फोकट फायरिंग कर रहे हैं, मतलब फिजूल फायरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कि बंदों को लगे कि अभी भी बंदे वहीं पे हैं और तुम आ चुके हो साइड से और तुम्हारे पास है M4, तो तुम भाई यार अगर 100 के स्प्रे कर देते हो ना M416+6X, तो भाई चारों एक ही स्प्रे के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको कैसे यार क्या करना है कि अगर आप तो यहां से ऐसी जगह पर करना है जिस हिसाब से तुम्हें वापस कवर भी मिल जाए, जैसे कि तुम यहाँ से एक बंदे नॉक किए हो तो फिर तुम्हें कवर ही नहीं मिल रहा, तुम ओपन में उनके सामने ही भाग रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा पूरा कवर देखना है। उसके बाद तुम्हें फ्लैंक करने टाइम देखना है कि साइड में पीछे घरों में कोई बंदे तो नहीं है, या फिर ध्यान रखना है कि जैसे तुम यहाँ से एक बंदा नॉक किए हो और पीछे भी देखते रहो कोई आए तो नहीं, और उसके बाद वापस वहाँ पे फायर करते रहो। जैसे इस तरीके से अगर तुम यूज़ करते हो फ्लैंक का तरीका, तो तुम्हें ओपन फ्लैंक में कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि हाई ग्राउंड हमेशा आपके पास होना चाहिए, बंदों के पास हाई ग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्लैंक मारने में, क्योंकि ऊपर से सब कुछ दिखता है, बंदा इधर से जा रहा है उधर से। और भाई लोग यार, ध्यान होना चाहिए कि आप यहाँ से फ्लैंक मार चुके हो, ये सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है, और सामने वाले अपोनेंट को नहीं पता होना चाहिए बंदा फ्लैंक मार रहा है, वरना आपको सरप्राइज बंदा पकड़ मिल सकता है, क्योंकि उधर से ही आपको फ्लैंक कर दे और आप फैल जाए, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको घरों में कैसे फ्लैंक करें, क्योंकि घरों में आपने देखा होगा कि यार आपके बहुत सारे बंदे होंगे जो हुशियारी लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना वाला और पिल जाते हैं, और वो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप किसी घर पर रश कर चुके हो, ठीक है, और आप तो इधर से फ्लैंक करो, आपका फ्रेंड चल रहा है, मैं इधर से करता हूँ, और उधर से ही चारों बंदे बैठे हुए हो, और आपका बंदा पूरा नॉक हो जाता है, फिर आपको धीरे धीरे आपका नंबर आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तुम जिधर से फ्लैंक करो उधर से तुम एक बंदे को पक्का पहले नॉक करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम उधर जाके नॉक हो जाओ। सपोज कर लो जैसे मान लेते हैं ये वाला घर है, ठीक है, इस पर तुमने फ्लैंक मतलब इस पर तुम आ गए हो, सामने वाली जगह पे बंदे हैं, ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि वहाँ पे बंदे हैं, इधर ही साइड में हैं। और हमेशा याद रखना है कि यार जैसे तुम फ्लैंक मार रहे हो ना, उससे पहले तुम्हें क्या करना है कि नेट्स यूज़ करने हैं, जिधर जैसे जैसे कि मैंने यहाँ से फ्लैंक मारा है, ठीक है, तो तुम्हें फ्लैंक मारने से पहले क्या करना है, इधर से कॉर्नर पर नेट फेंक देना है, उसके बाद पूरा फ्लैंक मार के नीचे से
फिर इधर एम करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे मतलब तुम्हारे नोक होने या तुम्हारे पेटी बनने के चांसेस बिल्कुल जीरो रह जाते हैं। और अगर तुम सीधा ही फ्लैंक मारते हो, तुम देते हो नहीं यार इधर ही बंदा है, मैं इधर ब्रोकन वॉल के पीछे चला जाऊंगा, तो बंदे को पता ही नहीं चलेगा। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, बंदे को पता है अगर तुम्हारी लोकेशन तो फ्लैंक मारने का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैंक तब सक्सेसफुली होता है जब बंदे को आपका लोकेशन पता ना हो और आप बंदे को पहल दो और सरप्राइज कर दो। तो ये होता है फ्लैंक करने का सही तरीका। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और भी ज़्यादा कुछ अच्छी टिप्स होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो भाई यार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि एस पे 12 से 13 कुछ स्टार्स थे मेरे, तो वो वाला एक्सपीरियंस है भाई लोग। तो यार जरूर यूज करो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल के, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी।